उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद अब पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं मिर्जापुर जनपद के अनगढ़ महावीर इलाके के चर्चित गैंगस्टर अपराधी चुन्नू यादव के खिलाफ पुलिस ने अपना हंटर चलाया। पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 4,36,00,000 बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चुन्नू यादव के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, पैसे की वसूली, बलवा जैसे संगीन अपराध में मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारी मिर्जापुर का आदेश। आपराधिक माफिया चुन्नू यादव उर्फ शिवशंकर यादव वहीं पुलिस अधीक्षक अभिनंदन का कहना है कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ये शासन के मंशानुरूप डीजीपी सर के निर्देशन में लगातार माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में आज एक जनपद मिर्जापुर के कुख्यात आपराधिक माफिया चुन्नू यादव उर्फ शिवशंकर यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की और उसकी जो संपत्ति है जो अवैध रूप से अर्जित की थी उसको चिन्हित किया और आज लगभग 4,50,00,000 रुपए की जमीन उसकी जो है जो उसने अपनी मां के नाम से रजिस्ट्री कराई थी उसको हम लोगों ने कुर्क कराया है और भी इसकी संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं और जनपद में ऐसे तमाम माफिया जो हैं उनकी एक लिस्ट बना के एक सिस्टमेटिक सिलसिलेवार ढंग से उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है और भी आने वाले दिनों में आपको इस तरह की कार्रवाई दिखे। सर, इसके एक मामला सामने आया था जिसके बाद पुलिस एक्टिव भाई थी और उसका खंगाला गया था, कौन वो मामला था और उसमें क्या हुआ था जिसके बाद पुलिस ने इसके बैकग्राउंड को निकाला, एक बड़ा इसके ऊपर मुकदमे दिखे गए और ये भी कहा जाता है कि पूर्व सरकारों में इसका एक बड़ा वर्चस्व था मिर्जापुर में और ऐसे में इसके ऊपर कौन से मुकदमे लगाए गए थे जिसके बारे में? ये एक यहाँ मर्डर हुआ था कटरा क्षेत्र में जो कि काफी सनसनीखेज था, उसमें इन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद जब ये जेल गए थे और जेल से फिर ये जब रिहा हो रहे थे जेल पे उसके बाद इन लोगों ने एक बहुत ही गलत ढंग से एक जुलूस नुमा रूप में उसको निकाला था जिसका संज्ञान पुलिस ने लिया था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। दरअसल जून 2022 में गोलू पंडित नाम के युवक की हत्या में चुन्नू यादव का नाम सामने आया था। गोलू पंडित हत्याकांड को बहुत ही निर्ममता से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके बाद पुलिस ने लगभग 6 लोगों को जेल भेजा था। फिलहाल चुन्नू यादव पर पुलिस ने अब तक बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।